अमृत भारत योजना अंतर्गत देश के तकरीबन 1000 रेल स्टेशनों का आधुनिक विकास किया जाने वाला है। उसी श्रृंखला में नागपुर मंडल में भी इस योजना के तहत कार्यान्वयन जारी किया जाने वाला है, जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस समय रेल मंडल प्रबंधक तुषार पांडे ने जानकारी दी। इस समय जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधक तुषार पांडे ने बताया कि 6 अगस्त को 11 बजे अमृत भारत योजना का शिलान्यास किया जाने वाला है। गौरतलब है कि नागपुर मंडल में 15 स्टेशन पर 372 करोड़ का विकास कार्य कर छोटे स्टेशनों को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अमृत भारत योजना के तहत किया जाने वाला है। इन स्टेशनों पर प्रतीक्षा भवन से लेकर सभी आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ विशेष रूप से जानकारी देते हुए रेल मंडल प्रबंधक ने बताया कि इस योजना में जनता के सुझाव भी शामिल किए जाने वाले हैं, ताकि ये स्टेशन जनता की दृष्टि से सुगम हो। देखिए, नागपुर डिवीजन में 15 स्टेशन को अमृत भारत योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, और ये 15 स्टेशनों पे लगभग 372 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें बड़े वाइडर FOBs दिए जाएंगे, फुट ओवर ब्रिजेस दिए जाएंगे, ताकि सुगमता से स्टेशन्स को एक्सेस किया जा सके। सर्कुलेटिंग एरिया को इम्प्रूव किया जा रहा है, हर जगह पे वेटिंग हॉल की सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, टॉयलेट्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, स्टेशन्स की जो बिल्डिंग है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, और इस तरह के सारे कार्य इन 15 स्टेशन्स पे किए जाएंगे। देखिए, रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत ही, रेलवे एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सर्विस समाज को देता है, और अफोर्डेबल जो ट्रांसपोर्ट देना, ये भारत सरकार का एक दायित्व है। उस दायित्व के तहत हर जगह से एक कंफर्टेबल स्टेशन हो, अच्छा स्टेशन हो, सुगम स्टेशन हो, छोटी जगहों से भी लोग एक्सेस कर सकें ट्रेन्स को, और ट्रेन्स से उनकी सुविधाजनक यात्रा हो, ये भारत सरकार का सामाजिक दायित्व भी है, और उन सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना जरूरी है। उन निर्वहन के कार्यक्रम के दौरान ये चीज़ की जा रही है कि 300 मतलब इतने बड़े पैमाने पे सारे स्टेशन्स को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये कार्य जरूरी था और इसलिए किया जा रहा है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।